स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल लिंक टू माइंड। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का एल्जेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक 6 सॉल्यूशन ऑफ अ मैट्रिक्स। दोस्तों इससे पहले हमने 5 टॉपिक डिस्कस किया हुआ है, वो यूनिट 1 था। अभी सेकेंड यूनिट का टॉपिक हम चालू करने वाले हैं, सॉल्यूशन ऑफ अ मैट्रिक्स। कैसे किसी मैट्रिक्स का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सॉल्यूशन में बहुत सारे आपको टाइप्स तरीके के मिलेंगे, मैं आपको बेसिक्स बताता हूं। मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स ए दिया हुआ है आपके पास, मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास ए दिया हुआ है। अगर आपको इसको सॉल्यूशन करना है, स्टेप नंबर 1 दोस्तों आपको क्वेश्चन दिया होगा, आपको पहले मैट्रिक्स ए बनाना होगा। आपके पास तीन इक्वेशन से आप पहले मैट्रिक्स ए बना लेंगे। ए देखिए क्या होता है, मान लीजिए आपको मिला हो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। इसी तरीके से आपको यहाँ ए वन ले लीजिए, बी वन सी वन ले लीजिए। इसी तरीके से ए टू बी टू, यहाँ पे ए वन ए टू मिलेगा, बी टू मिलेगा, यहाँ पे देखिए बी वन है सी वन है। तो ऐसे ही मान लीजिए आपके पास मिला हो ए वन बी वन सी वन, आपको मिला हो ए टू बी टू सी टू एंड ए थ्री बी थ्री एंड सी थ्री। इस तरीके से आपका ए होगा, यानी इज इक्वल टू मान लीजिए यहाँ पे मिलता है आपको ए बी सी, मान लीजिए डी ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ ले लीजिए ई, ये ले लीजिए एफ, इज इक्वल टू कुछ रहेगा इक्वेशन में, तो उस इक्वेशन को हम बोलते हैं बी। उसको इस तरीके से आपको लिखना है डी ई एफ, जो भी इक्वेशन होगा इसको ले लीजिए ए टू एक्स ए थ्री एक्स प्लस बी टू वाई प्लस बी थ्री वाई प्लस सी टू जेड एंड प्लस सी थ्री जेड। इस तरीके से आपके पास 3 इक्वेशन होगा, आपको सॉल्यूशन करना है। आप मैट्रिक्स ए लिखिए, बी लिखिए। इसके बाद पहला मेथड क्या है, देखिए स्टेप वन आपको देखिए, 2 मेथड्स होते हैं वैसे तो, हम बात करेंगे, हम क्रैमर सॉल्यूशन नहीं देखेंगे इसको, क्रैमर सॉल्यूशन से भी सॉल्व करते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में मैट्रिक्स मेथड है तो हम मैट्रिक्स मेथड देखेंगे। स्टेप वन आपको लिखना है ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में, जो भी मैट्रिक्स है इसको ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में लिखिए। उसके बाद आपको लिखना है, इसको बोलते हैं देखिए, आपको इस मैट्रिक्स के फॉर्म लिखना है ए, आपको ये बड़ी वाली मैट्रिक्स बनानी है, याद रखिए ये सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप। फिर इसको थोड़ा सा आपको सॉल्यूशन करना है, दोनों मैट्रिक्स को कंबाइन कैसे करेंगे, इस मैट्रिक्स को आप कंबाइन कर लेंगे, हम एक क्वेश्चन लेंगे उसके माध्यम से समझेंगे। देखिए इसको कंबाइन करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन ले लेते हैं और फिर देखते हैं कैसे हम सॉल्यूशन करते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने आपको पहले स्टेप क्या बताया था, आपको सबसे पहले लिखना है मैट्रिक्स को ए एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्म में। सबसे पहले तो आप इस फॉर्म में लिखिए, तो हम देखिए ए क्या लेंगे, मैट्रिक्स ए हमारे पास जो होगा, देखिए जो मैट्रिक्स ए हमारे पास, इसका कोफिशियंट 1, इसका कोफिशियंट 2, इसका कोफिशियंट है 3, 1 2 3 ले लिया। अब इसका देखिए 3 1 2 लिखिए, 3 1 एंड 2, यहाँ देखिए 2 3 1 2 3 1। इस तरीके से आप क्या लिखते हैं, मैट्रिक्स ए लिखते हैं दोस्तों। आपने क्लास 12 में किया हुआ है, मैं इसको अभी आगे इसका जो सॉल्यूशन होता है उसमें थोड़ा डिटेल में बात करूंगा, अभी जनरल प्रोसीजर जैसा करना वैसा कीजिए। देखिए अब यहाँ पे लिखना है आपको x, y एंड z, जो बड़ा मैट्रिक्स x है इस तरीके से लिखा जाएगा। b मैट्रिक्स क्या होगा, b मैट्रिक्स जो यहाँ पे हमारे राइट हैंड साइड में लिखा है 14 11 11, ये मैट्रिक्स को हमने लिख लिया। अब देखिए अब अगर हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3 इक्वेशन फिर से यही फॉर्म होगा। अभी हमको इसी को सॉल्व करना है, सॉर्ट आउट करना है सॉर्ट मेथड से, तो अब क्या करेंगे, आपको इस स्टेप के बाद मैंने बताया था मैट्रिक्स, बड़े मैट्रिक्स लिखना है इस तरीके से, देखिए ए बी, देखिए ये मैट्रिक्स मैंने बोला था इस मैट्रिक्स को लिखिए। ये मैट्रिक्स कैसा लिखा जाएगा, देखिए इस मैट्रिक्स को आप लिखेंगे तो ये मैट्रिक्स ऐसा बनेगा, ये हो जाएगा 1 2 3 3 1 2 2 3 1। देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने मैट्रिक्स ए लिख लिया। अब देखिए ये हमारा बी, तो इसको आपको ऐसा ऐसा डॉट करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे 14, ये होगा हमारा 11, ये हमारा होगा 11। इस तरीके से आपने बड़ी वाली मैट्रिक्स लिखी, आपने मैट्रिक्स ए ए है और ये हमारा बड़ा मैट्रिक्स ए डैश डैश बी है दोस्तों, ये मैट्रिक्स है। बड़े मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 है, ऑर्डर क्या है 3 है, याद देखिए इसका ऑर्डर क्या है 3x3 का है, हमारा मैट्रिक्स जो बना है 3x3 का है, ऑर्डर 3 ऑर्डर का है।
हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सॉल्व सॉर्ट आउट करेंगे, इसे एक्लेन फॉर्म में चेंज करेंगे, इसे 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 जीरो करना है, लीडिंग एलिमेंट वन और ये तीनों एलिमेंट को जीरो करना है, हमने पढ़ा हुआ है। तो पहले हम इसको एक्लेन फॉर्म में चेंज करते हैं, मैं उसके बाद बात करता हूँ। देखिए एक्लेन फॉर्म में चेंज करते वक्त आपको ये एलिमेंट भी जीरो हो जाए, जितने एलिमेंट जीरो हो जाए उसको कोशिश कीजिए जीरो हो जाए, लास्ट में आपको जितने नॉन जीरो रो बचेंगे उस मैट्रिक्स का रैंक कहलाता है। तो चलिए इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें मैं ऑपरेशन लगाता हूँ, देखिए क्या लगाएंगे हम ऑपरेशन, मैं यहाँ नीचे लिख लेता हूँ ऑपरेशन। देखिए इसे इसे जीरो करना है तो हम लिखेंगे आर टू यूजिंग वन मल्टीप्लाई माइनस थ्री एंड आर थ्री यूजिंग वन मल्टीप्लाई माइनस टू। देखिए सेकेंड में यूज कर रहा हूँ, इसमें माइनस थ्री से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस थ्री प्लस थ्री जीरो हो जाएगा। इसे देखिए मुझे जीरो करना है तो इसमें माइनस टू से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये और ऑपरेशन लगा रहे हैं, देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, ये इक्वल टू था, अब इक्वल टू से क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। देखिए अभी इक्विवेलेंट हो गया, अब इसे लिखिए, हमारे पास ये होगा, पहले रो को वैसा का वैसा लिख लीजिए, रो ऑपरेशन लगा रहे हैं। देखिए एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के आपको कोई भी एक एलिमेंट्री ऑपरेशन चूज करना है, रो चूज किए तो रो लगा के थोड़ा इसे सॉर्ट आउट कर लीजिए, एक्लेन फॉर्म में चेंज कीजिए, जो जीरो हो रहा है उसे जीरो करने की कोशिश कीजिए। वन टू थ्री, यहाँ देखिए हो जाएगा, ये हमारा हो गया जीरो, यहाँ भी हमारा 14 है, देखिए यहाँ पे 14 है, 14 लिख लेते हैं। याद रखिए आप जो लगा रहे हैं वो इस साइड भी लगेगा, इसमें भी रो लगेगा, टोटल बड़ा मैट्रिक्स बन गया हमारा, 3x4 का बड़ा मैट्रिक्स हो गया, याद रखिए ये टोटल बड़ा मैट्रिक्स है। अब देखिए इसमें भी लगाएंगे तो ये हो जाएगा, ये हो गया पहला जीरो हो गया, 3 2 6 माइनस सिक्स, माइनस थ्री से माइनस सिक्स प्लस वन माइनस फाइव, आपको माइनस फाइव, माइनस नाइन प्लस टू आपको मिलेगा माइनस सेवन, 14 3 42 42 यहाँ पे क्या है 11, तो माइनस 42 हो जाए, ये हो गया हमारे पास, देखिए माइनस 42 माइनस 11 आपके पास बचेगा माइनस 31, आपके पास क्या बचा माइनस 31 प्लस 11 था तो माइनस 31 बचा आपके पास, माइनस 31 इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया और 11 ऐड किया। अब इसमें देखिए 2 से मल्टीप्लाई करना है, थर्ड रो के लिए 2 से, तो ये हमारा हो गया, ये हो गया 0, ये देखिए डैश डैश रहेगा एज इज वर्क। अब यहाँ देखिए हमने ये लिख लिया, ये हमारा मैट्रिक्स बना है 3x4 का बना है अभी फिलहाल, फिलहाल अभी क्या है 3x4 का, ये इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लास्ट में हम अभी से चेक करेंगे। अब देखिए अब क्या करना है आपको, इसमें मल्टीप्लाई 2 2 4 माइनस, देखिए माइनस 2 है तो माइनस 4 याद रखिए, माइनस 2 2 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1, ये हमारे पास माइनस 1 यहाँ बचा, माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5, और यहाँ देखिए माइनस 4 माइनस 28 प्लस 11 माइनस 28 एंड प्लस 11 आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा माइनस 17, आपको क्या मिला माइनस 17 मिला। ये दोस्तों आपको समझ में आया, रो ऑपरेशन मैंने लगाया नॉर्मल था। अब देखिए हमको क्या करना है, मुझे इसे जीरो करना है, इसे जीरो करना है अब, तो मैं क्या करता हूँ, या देखिए मैं कर सकता हूँ, देखिए इसमें मैं 1/5 से डिवाइड करके पहले इसे 1 कर लेता हूँ, प्लस 1 कर लेता हूँ। देखिए मैं इस सेकेंड रो में क्या कर रहा हूँ, देखिए R2 में मैं मल्टीप्लाई माइनस 1/5 कर ले रहा हूँ, देखिए मल्टीप्लाई माइनस 1/5 इसमें मल्टीप्लाई किया, ठीक है तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिए ध्यान से, ये हो गया 1 2 3, ये हमारा डैश 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 हो गया। अब देखिए हमारे पास और क्या हो सकता है, इसे देखिए ये हो गया 14, ये हो गया 0, ये हो गया माइनस 5 माइनस 7, ये हो जाएगा माइनस 5 से क्या हो जाएगा, ये देखिए अब इसमें तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, इसे लिख लीजिए माइनस 1, ये हो गया माइनस 5 ये माइनस 17, ठीक है इसमें माइनस 1/5 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा प्लस 1, तो हो जाएगा 7/5 और ये मैट्रिक्स हो जाएगा 31/5। ये स्टेप आपको समझ में आया दोस्तों कैसे हुआ, माइनस 1/5 था तो माइनस माइनस प्लस 31/5 7/5। अब देखिए अब इसको मैं ऐड कर ले रहा हूँ, इसे ऐड करने के बाद देखिए क्या होता है, मैं इसे ऐड करता हूँ, देखिए ध्यान से, चलिए इसे ऐड करते हैं तो हमारे पास मिलेगा, ऐड करेंगे तो देखिए इसको ऐड करने के लिए आप लगाइए आर 3 2 प्लस 1, ये ऑपरेशन लगा रहे हैं हम, देखिए तो अब इसे ऐड करते हैं, देखिए क्या मिलता है हमको, ये हो गया 0, ये भी हो जाएगा 0, पहले इसे वैसा का वैसा लिख लीजिए, ये हमारा जो मैट्रिक्स है ये ए डैश डैश बी, इसको हम ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स भी कहते हैं, याद रखिए आपको ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स इस तरीके से लिखना होता है। अब देखिए ये हो गया हमारा 31/5 वैसा का वैसा रहेगा, ये हो गया 1 2 3 एंड 14 वैसा का वैसा लिखना है। अब देखिए इस इनको ऐड करना हमको, देखिए 7/5 और माइनस 5 हो गया 25 है, 25 माइनस 7
क्या हो जाएगा आपके पास माइनस 18, माइनस 18 अपॉन आपको क्या मिलेगा 5। ये समझ में आया दोस्तों? देखिए हमने क्या किया, माइनस 25 ये 7 था, माइनस 18 मिल गया हमको, ऐड किया जस्ट। अब इसे देखिए क्या होगा, 31 बाय 5 प्लस 17 तो ये हो गया 31 बाय 5 माइनस, देखिए साइन तो माइनस है लेकिन हम एडिशन कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, इसमें कोई नेगेटिव साइन नहीं होता। देखिए ये हो गया 35, ये हमारे पास क्या मिलेगा 35, ये हो गया 35, ये हो गया माइनस 4 बाय 5, हमको क्या मिला माइनस 4 बाय 5 मिला। देखिए हमको जो मिला माइनस 4 बाय 5, ये माइनस 31 था ठीक है। अब देखिए हमको ये मिलेगा, ये 17 है ना, सॉरी ये 17 है, 7 नहीं है। देखिए 31 अपॉन 5 माइनस 17, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 85 होगा, ये हो गया माइनस 85, ये 31 अपॉन 5, तो हम इसे करेंगे तो हमको मिलेगा 54, माइनस 54 बाय 5, हमको क्या मिला माइनस 54 बाय 5 मिलेगा। देखिए हमको मिला माइनस 54 बाय 5। तो दोस्तों देखिए हमने इसे ये ऑपरेशन लगाया, इसे भी जीरो कर लिया। अब चाहे तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, इसको हम चाहे तो वन कर सकते हैं या जीरो, जो भी होगा पहले तो वन कर लेते हैं। वन करने के लिए एक और ऑपरेशन लगा सकते हैं, देखिए क्या लगा सकते हैं आप लिख सकते हो R3 में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे माइनस 5 अपॉन 18, इसका जस्ट अपोजिट मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा तो हमको 1 मिल जाएगा ठीक है। तो देखिए इस ऑपरेशन को मैं यहाँ थोड़ा साइड में लिख लेता हूँ, देखिए ये लगा रहे हैं हम R3 में लगा रहे हैं हम माइनस 5 अपॉन 18 लगा रहे हैं ठीक है। देखिए माइनस 5 अपॉन 18 हम लगा रहे हैं, ये हम माइनस ठीक है दोस्तों, देखिए माइनस 5 अपॉन 18 लगा रहे हैं। अब देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमारे पास ये हो गया पहला, तो ऐसे लिख लीजिए 1 2 3, ये हो गया हमारे पास 14, ये हमारे पास है 1, ये है 0, ये है 1, ये है 7 अपॉन 5। नॉर्मल ऑपरेशन लगा रहे हैं दोस्तों, देखिए हम बिल्कुल नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं जैसा हम करते हैं नॉर्मल। अब ये हमारे पास है 31 अपॉन 5 है और ये हमारे पास 7 अपॉन 5 31 5, ये वाला देखिए, ये हमारे पास जो टर्म है ये है हमारे पास, ये हो जाएगा देखिए 1, ये हो गया हमारे पास 0 था, ये हो गया 1, यहाँ देखिए ये 1 कैसे हो गया समझ में आया दोस्तों, माइनस 5 अपॉन 18 कट गया 1 बचेगा, यहाँ देखिए माइनस 54 अपॉन 5 मल्टीप्लाई माइनस 5 अपॉन 18 करना है, ये 5 ये 5 कटा माइनस माइनस प्लस 18 3 जा 54 होता है, तो ये हमारा 3 टाइम्स गया, तो हमारे पास यहाँ बचा 3। अब देखिए दोस्तों अब चाहे तो आप अब कितने एलिमेंट्स अब जीरो और कर सकते हैं, देखिए अब चाहे तो इसे भी जीरो कर सकते हैं और चाहे तो इसे भी, ये जीरो हो सकता है ठीक है दोस्तों, और नॉर्मल अब किसी को। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप इतने ही फॉर्म में चेंज हो गया तो बस इतना ही करके आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, कोई भी ये 3 जीरो हमने ले आए तो हमारा जो मैट्रिक्स है थोड़ा रिड्यूस हो गया, क्योंकि यहां देखिए हमको ये 001 मिल गए तो एक की वैल्यू तो हमको आसानी से मिल जाएगी, तो हम दूसरे वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे। आपका पहला एम यही रहता है कि इसको इस फॉर्म में चेंज कीजिए। अब देखिए हमारा दूसरा चेकिंग ये होता है, क्या हम इस एलिमेंट को जीरो कर सकते हैं, क्या ये भी जीरो हो सकता है? तो देखिए दोस्तों हमारे पास, हम चाहे तो ये दोनों एलिमेंट हमारा जीरो नहीं हो सकता, क्यों नहीं होगा? देखिए अगर हम इसे जीरो करना चाहेंगे किसी रो ऑपरेशन लगाकर तो ये हमारा जीरो बिगड़ जाएगा। तो इस मैट्रिक्स का रैंक, अब आपको यहाँ पे ध्यान दीजिए एक बात आती है, क्या आती है देखिए आप देखेंगे जो इस मैट्रिक्स ए का रैंक था रो ऑफ ए, या देखिए रैंक जो था 3, जो कि 3 है ठीक है, ऑर्डर भी 3 है, रैंक भी 3 है, ये भी 3 है, और देखिए इस बड़े वाले मैट्रिक्स का जो रैंक है, ये बड़े वाले मैट्रिक्स ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का, इसमें कितने नॉन जीरो रो बचेंगे, इसी से हम तो जीरो नहीं कर पाएंगे। तो 1 2 3, इसका भी ऑर्डर रैंक जो है ए, इस मैट्रिक्स का रैंक भी हमारा इक्वल है, तीनों मैट्रिक्स के रैंक इक्वल है। तो ये फॉर्म लाने के बाद आपको लिखना पड़ता है कि जो मैट्रिक्स है उसका हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन है, अगर ये इक्वल है तो यूनिक सॉल्यूशन है, याद रखिए अगर ये तीनों इक्वल हैं तो यूनिक सॉल्यूशन पहला ठीक है। अगर मान लीजिए आपका जो ये जो रैंक आया ए था, अगर आपने इसे भी जीरो कर दिया, ये अगर आपने इसे भी जीरो कर दिया तो देखिए आपके पास दो ही रो बचेगा और इस मैट्रिक्स का रैंक बचेगा 2, तो आप लिखेंगे नो सॉल्यूशन। अगर मैट्रिक्स ए, अगर ये मैट्रिक्स हमारे पास और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दोनों इक्वल नहीं आए दोनों के रैंक, तो ये हमारे पास नो सॉल्यूशन होगा पहला केस ठीक है। तीनों और दूसरा क्या होगा, ये दो तो इक्वल आ गए लेकिन अगर ऑर्डर इक्वल नहीं आए, मान लीजिए ये दोनों इक्वल आ गए लेकिन ये ऑर्डर इक्वल नहीं आए,
तो गड़बड़ हो सकता है दोस्तों, तो फिर प्रॉब्लम होगी। फिर लिखेंगे आप डिपेंडेंट सॉल्यूशन, कुछ ना कुछ वैल्यू डिपेंड होगी, यूनिक वैल्यू नहीं आएगी। यहां हमारे पास जो आया सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन है। अब देखिए इस क्या करना है, ये वैल्यू को लेके यहां पे पुट कर दीजिए, डायरेक्ट सॉल्व कीजिए। देखिए कैसे करेंगे, पुट करते हैं वैल्यू को। देखिए हमारे पास जो ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स की जगह वो लिखते हैं हम, तो हम लिखेंगे यहां पे, देखिए क्या लिखेंगे, 1 2 3 1 2 3 0 1 7 अपॉन 5, और हमारे पास ये है 0 0, ये हमारे पास है 1, ये हमारा मैट्रिक्स ए है, अंदर वाला मैट्रिक्स। यहाँ लिख लेते हैं x y z, और ये हमारा इक्वल टू बी। अब इसको आप अलग अलग करके वहाँ वैल्यू रख दीजिए, ज़्यादा अभी सिंपल फॉर्म में हो गया, अभी इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमारे पास है 31 अपॉन 5, और ये हमारे पास है 3। अब इसे आप नॉर्मल फॉर्म में सॉल्व कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, देखिए आपको मिलेगा x+2y+3z = 14। पहला इक्वेशन आपको ये मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा, x तो 0 हो गया, y प्लस आपको क्या मिलेगा, देखिए 7 अपॉन 5, देखिए y+7 अपॉन 5z = आपको मिलेगा 31 अपॉन 5। ये मिला आपको, दूसरा देखिए क्या मिलेगा आपको, ये मिल गया। उसके बाद ये लास्ट वाला x y दोनों z है, तो यहाँ पे z = आपको मिलेगा 3। एक वैल्यू हमको हमने निकाल ली, z = क्या आया हमारे पास, 3 आया, एक वैल्यू तो हमने निकाल ली। अब हमको निकालना है इसकी वैल्यू, तो z की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं और निकालते हैं। देखिए पुट कीजिए, यहाँ निकाले तो क्या कैसे निकालेंगे, देखिए तो इसमें हम पुट कर लेते हैं z की वैल्यू, एक वैल्यू अभी, तो y प्लस ये हो जाएगा 7 अपॉन 5 × 3 = 31 अपॉन 5। 7 3 = 21, देखिए 7 3 = क्या होगा, और क्या लिख सकते हैं हम इसे, हम लिखेंगे y = ये हो जाएगा 21 अपॉन 5, तो ये लिखेंगे 31 अपॉन 5 - 21 अपॉन 5। ये हमारे पास क्या बचेगा दोस्तों, देखिए ये बचेगा हमारे पास 10 अपॉन 5 = 2। हमारे पास क्या आ गई दोस्तों, y की वैल्यू 2 आ गई दोस्तों। देखिए दोस्तों हमने z की वैल्यू निकाल ली एंड y की वैल्यू निकाल ली दोस्तों। देखिए हमने z की वैल्यू निकाल ली एंड y की वैल्यू निकाल ली, अब निकालनी है x की वैल्यू। प्रोसीजर आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, इसी तरीके से आपको फॉलो करना है। अब x और y दोनों की वैल्यू पुट करके यहाँ z की वैल्यू, y और z की दोनों की वैल्यू आप पुट कीजिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से। तो हमारे पास x प्लस 2 × 2, y की वैल्यू पुट किया 3 × 3 = 14। अब देखिए x + 4+9 = 14, ये हो जाएगा 13, तो x + 13 = 14, therefore क्या हो जाएगा x = 14 - 13 = 1। तो दोस्तों हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 1। इस तरीके से दोस्तों हमने क्या किया, इस सॉल्यूशन जो हमारे पास इक्वेशन दिया था, 3 इक्वेशन, इसको मैट्रिक्स मेथड से हमने सॉल्व किया और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली। इस तरीके से हम वैल्यू निकालते हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको मैट्रिक्स ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में लिखिए, उसके बाद ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखिए, ये हो गया सेकेंड स्टेप, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। ऑगमेंटरी मैट्रिक्स को रो कॉलम ऑपरेशन लगा के थोड़ा सॉल्व कीजिए, रिड्यूस कीजिए, उसके बाद यहाँ पे चेक कीजिए। यहाँ पे मेन चेक है, तीनों इक्वल है तो यूनिक सॉल्यूशन, अगर ये दो इक्वल हैं, इसके इक्वल नहीं है तो आपको डिपेंडेंट मिलेगा। यहाँ पे देखिए हमको एक एक वैल्यू मिली है, लेकिन आपको अगर ऐसा नहीं होता तो आपको x इक्वल टू 2y ऐसा कुछ मिलता, अगर ये किसके ऑर्डर के इक्वल नहीं होता तो ऐसा डिपेंडेंट सॉल्यूशन मिलता, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, हमको यूनिक सॉल्यूशन मिला क्योंकि ये तीनों इक्वल है। इस तरीके से दोस्तों हम मैट्रिक्स को सॉल्यूशन करते हैं। अब दोस्तों अगले वीडियो में हम मिलते हैं इसके थोड़ा आगे के टॉपिक, इसका जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा सिंथेटिक डिवीजन, फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक ले जय हिंद जय भारत।